हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड दिस यूज एंड फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे हाइड्रोसील के कारण, किस कारण से हाइड्रोसील होता है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोसील, हाइड्रोसील में दो शब्द आते हैं, पहला आता है हाइड्रो, दूसरा आता है सील। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, सील का मतलब होता है स्वेलिंग। तो देखिए, टेस्टिस या अंडाशय में पानी भर जाने के कारण जो टेस्टिस में स्वेलिंग होती है उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल घटना देख रहे हैं और एक हाइड्रोसील की घटना देख रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे इसके कॉसेस के बारे में, कारण होते हैं जिससे हाइड्रोसील की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहला है इंजरी। अगर देखिए, पेल्विक रीजन में किसी प्रकार की इंजरी होती है तो इसके कारण हाइड्रोसील हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। अब देखिए, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन का कारण क्या होता है, ये होता है एसटीडी, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि वायरल और बैक्टीरिया इसको फैलाते हैं, तो इस कारण से देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के कारण बनते हैं, जैसे कि क्लाइमेडिया एंड गोनोरिया और सिफिलिस। इनके कारण देखिए यहाँ पर टेस्टिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर देखिए, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर टेबलेट दी जाती है। क्यों दी जाती है देखिए एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हम जानते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण हाइड्रोसील होता है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे होती है, ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन्स के कारण होती है। तो देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए ओडोक्सिन का यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, ओडोक्सिन 500, इसको देखिए दिन में एक बार या दो बार भी ऐसा पेशेंट ले सकता है। उसके बाद आता है जीरोडोल एसपी, जो कि देखिए टेस्टिस में जो दर्द होता है उसको कम और हाइड्रोसील की वजह से जो फीवर आता है उसको रिड्यूस करने में इसका यूज होता है। अब देखिए, इसको हम दिन में एक बार या दो बार ले सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इसका एस्पिरेशन। इसमें क्या करते हैं, देखिए सिरिंज से जो है इस पानी को बाहर निकाला जाता है। ओके, थैंक यू।